जनपद स्तरीय तहसील समाधान दिवस के अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बांसगांव तहसील पर लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही 5 प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण भी किया, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि तहसील दिवस पर अधिकतर मामले जमीन पर कब्जा, खेत कब्जा को लेकर राजस्व विभाग से आए। संबंधित राजस्व इंस्पेक्टर, लेखपाल और संबंधित थाने के SI और SHO को निर्देशित किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण मामले को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि कुल मामले 40 से 50 के बीच आए। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 5 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 विद्यालय बांसगांव ब्लॉक, 1 विद्यालय कौड़ीराम ब्लॉक और 2 पिपरौली ब्लॉक के थे। निरीक्षण का उद्देश्य है किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। निरीक्षण के दौरान 5 विद्यालयों पर किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीणा ने कहा, ये पकड़ के लोग रंधे बंधे ज्ञान मंत्री ज्ञान मंत्री हाँ जी नहीं ये लोग आज 5 विद्यालयों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 विद्यालय बांसगांव ब्लॉक के, 1 कौड़ीराम ब्लॉक का और 2 पिपरौली ब्लॉक के थे। मेन उद्देश्य जो निरीक्षण करने का था वो यही था कि वहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा जो है बच्चों को प्रदान की जा रही है, मिड डे मील के संबंध में कोई शिकायत तो नहीं है और वहाँ पर टीचर उपस्थित रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो उसके संबंध में निरीक्षण किया गया। 5 जगह टीचर्स जो है प्रेजेंट थे, अगर कोई एब्सेंट था तो अवकाश लेने के बाद ही एब्सेंट था। गुणवत्ता पर विशेष रूप से उसमें फोकस किया गया था कि गुणवत्तापूर्ण यदि शिक्षा प्रदान की जाएगी तभी देश का भविष्य जो है उज्जवल रहेगा। देखिए, मैं जो तहसील दिवस में मामले, अधिकतर मामले राजस्व से संबंधित थे, जिसमें चक्रोड़ की पैमाइश हो गया, खेत की पैमाइश हो गया, खेत पे कब्जा हो गया, उस तरीके के मामले थे जिसमें संबंधित राजस्व जो इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसको हम कानून को कहते हैं, तथा लेखपाल और यदि कब्जे से संबंधित है तो संबंधित थाने के SI और SHO को निर्देशित किया गया कि गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर 1 सप्ताह में आख्या उपलब्ध कराए। सर, कितने मामलों का निस्तारण किया गया? देखिए, जो कुल लगभग वहाँ पे 40 से 50 के बीच में मामले आए थे, जिसमें से सभी में निर्देशित किया गया, मौके पे किसी मामले का निस्तारण नहीं हो पाया था।